पर वहाँ कोई सांप नहीं है। वहाँ पर क्या बात है लल्ला, तुम इतने उदास क्यों हो? सांप। यशोदा, यशोदा। नंदराय जी, नंदराय जी। क्या बात है जीजी? देखो ना यशोदा, लल्ला को क्या हो गया है? कैसे रोनी से सूरत बना के खड़ा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या है रे लल्ला? सांप। सांप? कहाँ है सांप? वहाँ उधर है। उधर है। देख, कोई सांप नहीं है। नहीं, कोई सांप नहीं है। लल्ला, देख रहे हैं ना आप हमारी लल्ला की दशा? अवश्य उस कंस ने मेरे लल्ला को कुछ कर दिया है। कहीं कहीं कंस ने कोई तंत्र मंत्र तो नहीं कर दिया? भगवान, दादी माँ की सुरक्षा के लिए कृष्ण वन में भी जा सकते हैं। उन्हें अकेली वन में देखकर विचलित भी हुए हैं, वो जाते क्यों नहीं? देवर्षि, मेरे इस कृष्ण अवतार में मैं सबको यही बताना चाहता हूँ, आप जैसा कर्म करोगे आपको उसका वैसा ही कर्म फल भोगना पड़ेगा, इस जन्म में नहीं तो फिर अगले जन्म में कर्म फल तो भुगतना ही पड़ेगा। देवर्षि, दादी माँ भी अपने कर्मों का फल भुगत रही हैं। जब कर्म फल भोग लेंगे तब कृष्ण उनकी सहायता अवश्य करेगा। वाह प्रभु वाह, क्या लीला रची है आपने। नारायण नारायण। बहु, तुम इसलिए नाराज हो कि मैं सुंदर को कृष्ण से सुंदर नहीं कहती? पगली, कृष्ण सुंदर है, कृष्ण में एक दिव्य आकर्षण है, इसीलिए तो तुम अपने सुंदर को कृष्ण बनाना चाहती हो। तुम सत्य से ना समझ हो बहू, तुम स्वयं नहीं जानती कि तुम कृष्ण की भक्ति करती हो। नारायण नारायण, सत्य कहा दादी माँ ने। भगवान, पुष्पा ग्वालन की मनोदशा को कैसे जान गई वो? मैं भी कृष्ण की भक्ति करती हूँ बहू, और कृष्ण भी मेरा भक्ति का सम्मान करता है बहू, और तुम्हारे भक्ति का सम्मान नहीं करता, इसीलिए तुम मुझसे ईर्ष्या करती हो। अब मैं जान गई बहू, कृष्ण के पास जाने के लिए ही तुमने मुझे वन में छोड़ा है, ताकि तुम अकेले कृष्ण के पास जाओ। नारायण नारायण। परंतु पगली, तुम ये भूल गई हो कि भगवान सबका होता है, उन्हें पाने के लिए हर कोई अलग अलग अपना मार्ग चुनता है। तू सच कहूँ बहू, ने जो मार्ग स्वीकार किया है ना, वो उचित नहीं है। नारायण नारायण। भगवान, दादी माँ तो ज्ञान की बातें कर रही हैं। देवर्षि, जहाँ भक्ति है वहाँ भगवान है, जहाँ भगवान है वहाँ ज्ञान का साक्षात्कार है। नारायण नारायण।
अब सही मार्ग पर आ जा बहू, और इस लाचार अंधी सास को घर ले चलो। मेरा सुंदर बेटा मेरी राह देख रहा होगा, मुझे उसे कहानी सुनानी है बहू। देख लिया है। बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हो कन्हैया। भैया सांप गया। अब तक सांप को भूला नहीं। इसलिए तुम उदास थे। चलो मेरे साथ। हाँ हाँ जाओ। चलो। स्वामी यदि भैया ने हमें क्षमा करके छोड़ दिया तो सबसे पहले हम गोकुल जाएंगे अपने कृष्ण से मिलने। मैं उसे प्यार करूंगी, चूमूंगी, उसे अपने सीने से लगा लूंगी। मैं आपसे बात कर रही हूँ स्वामी, इन कारागृह की दीवारों से नहीं। मैं सुन रहा हूँ देवकी। तो क्या आप मेरी बात सुनकर उत्साहित नहीं हुए? मैं सपने नहीं देखता देवकी, और क्षमा उसे किया जाता है जिसने कोई अपराध किया है, किंतु हम केवल कंस के अत्याचार और मनमाने के कारण कारागृह में है। आपने मुझे सत्य के दर्शन कराकर मुझसे मेरी सारी खुशियां ही छीन ली। मैं न जाने क्या क्या कल्पना कर रही थी कि जब हम गोकुल जाएंगे कृष्ण हमें देखता ही दौड़ा चला आएगा और पुकारेगा माँ, पिताजी
और मैं उसे अपने हृदय से लगाकर चूमूंगी। कल्पनाओं की उड़ाने भरना बंद करो देवी। मगध नरेश जरासंध लौट गए हैं तो भाभी ने भी चाणूर को कठोर चेतावनी दी है। अब हमारे विरुद्ध कोई षड्यंत्र नहीं रचेगा। होश में आइए जी, होश में आइए। मैं तो होश में आ गया हूँ देवकी, किंतु इतना भोगने के बाद भी अब तक तुम होश में नहीं आई। सांप कभी डंक मारना नहीं छोड़ता, नहीं ना। और कंस, कंस तो सांप से भी विषैला है, तो तुम्हें कैसे सोच सकती हो कि कंस हमें छोड़ देगा। कृष्ण है और हमें कृष्ण के चित्र को देखकर अपना पूरा जीवन व्यतीत करना है। कारागृह के इन चार दीवारों में यही हमारा गोकुल है और यही हमारा पुत्र। ये सत्य है देवकी, इसमें कोई कल्पना नहीं। इस बात को भली भांति समझ लो देवकी, समझ लो इस बात को।